हेलो 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 दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशरफ कमाल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको ग्रीस, एक कंट्री का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, मैं आज आपको वहाँ का सफ़र कराता हूँ। चौंक गए ना। एक्चुअली मैं आपको ग्रीस नहीं, मैं पटना में एक ग्रीस स्टाइल में उसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है, एक ऐसा कैफ़े खुला है, आपको दिखा दूँ पहले ये कैफ़े। यहाँ पे फोर्थ फ्लोर में AER कैफ़े है, यहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। इसका लोकेशन आप ये समझ सकते हो कि ये फ्रेज़र रोड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेज़र रोड में, पटना के फ्रेज़र रोड में नियर यूको बैंक के पास में। तो एक्चुअली दोस्तों, ये बहुत फेमस है अपने इंटीरियर के लिए, और इस कैफ़े में और भी क्या चीज़ें हैं वहाँ जाके देखते हैं, और देखते हैं क्या इसका इंटीरियर एग्जैक्ट ग्रीस जैसा है। काफ़ी मूवीज़ में हम लोग ने देखा है ना ग्रीस का इंटीरियर, तो देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीस जैसा इंटीरियर, फ्लोरिंग और इनकी फूड क्वालिटी और यहाँ पे इनके मेन्यू में क्या है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पे पटना मेट्रो का एक्चुअली काम शुरू हो चुका है। आप, ये एक पतली सी गली है, आप अपनी बाइक पार्क बाहर ही कहीं करना पड़ेगा आपको। ऐसी एक गली से आप अंदर आएँगे, जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एयर कैफ़े लिखा हुआ दिख रहा होगा, फिर आपको राइट टर्न हो जाना है यहाँ से। जब आप राइट टर्न होंगे तो ये रहा अपना ग्रीस फील करने वाला, हमको फॉरेन लेके जाने वाला कैफ़े। यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और पहुँचते हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी अवेलेबल है दोस्तों, मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद ये फोर्थ फ्लोर पे है। तो दोस्तों, मैं फाइनली फोर्थ फ्लोर पे अब पहुँचने ही वाला हूँ, आपको दिख रहा हूँ मैं। मुझे इस कैफ़े में जाने का एक्साइटमेंट बहुत दिनों से था। एक्चुअली मैं इतना वक्त नहीं निकाल पा रहा था कि मैं यहाँ पे आके शूट कर सकूं, तो मैं पहुँच चुका हूँ। एंड फ्रेंड्स, हेयर इट इज़। मैंने बोला था ना कि आपको बहुत एक अलग एक्सपीरियंस मैं कराऊंगा इस वीडियो में। आप देख सकते हैं, मैं ज़रा अपना वीडियो का सेटअप थोड़ा और लंबा कर सकूँ ताकि आपको एग्जैक्ट फुल व्यू दिखा सकूँ। आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ परफेक्ट सेल्फी पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शुरुआत ऐसी हुई है, तो आगे आप देखिए होता है क्या क्या। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये कितना खूबसूरत सेल्फी पॉइंट लग रहा है, और यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग यहाँ पर खड़े होकर एक बार सेल्फीज़, फ़ोटो और ये सब शूट ज़रूर कराते होंगे। दोस्तों, लाइटिंग इफ़ेक्ट, और अब देखिए शुरुआत हो चुका है। पटना से हम आपको सीधे ग्रीस लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं वॉल को बिल्कुल वाइट एंड ब्लू टेक्सचर में पेंट किया गया है, और बिल्कुल वो वाइब आती है यहाँ पे, वो फील आती है। आप देखिए ना, ये पूरे लोकेशन को एग्जैक्टली एक फॉरेन लुक दिया गया है। और ये इनका लाउंज है, आप देख सकते हैं। आपको मैं अंदर लेके चलूँ एक बार। अभी तो कस्टमर्स यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि अभी मैं एक्चुअली थोड़ा अर्ली आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरती है, एंड आपको मैं फॉरेन एक्चुअली में विज़िट कराने वाला हूँ। आप सोच सकते हो, आप पटना में रह के हमारे व्लॉग के ज़रिए एक फॉरेन ट्रिप कर सकते हो। मैं अर्ली आया ताकि मैं आपको एग्जैक्ट एक जो प्रॉपर सिनारियो है वो दिखा सकूँ। आप देख सकते हो लाइट्स का इफ़ेक्ट एंड डेकोरेशन वगैरह क्या प्रॉपर है। दोस्तों, मैं जिस ग्रीस सिटी की बात कर रहा था वो देखिए, आपको ऐसा दिखेगा वाइट, और इसको कितना खूबसूरती से यहाँ पे पेश किया गया वो देखिए। और भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रीस की सीनरीज यहाँ पे लगी हुई हैं, ताकि आप उसको बिल्कुल फील कर सकें। And what a beautiful lighting here. दोस्तों, लाउंज से निकलने के बाद आपको एक बार फिर से मैं वो एरिया दिखाऊं जहाँ से हमने शुरुआत किया था, और एक्चुअल प्लेस जो है वो स्टेयर्स के ऊपर है। आप देख सकते हैं ग्रीस में आपको घुमाने का जो मुझे आनंद मिल रहा है वो मैं बता नहीं सकता। आप देख सकते हैं लाइटिंग इफ़ेक्ट, ये चीज़ें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं।
चलिए एक्चुअली पार्टी प्लेस पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना प्रॉपर दिख रहा है ना। और ये वो प्लेस है जिसके बारे में हमने भी सुना था, और ये बहुत खूबसूरत प्लेस है। ओपन किचन कहा जाता है इसको, मतलब अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करेंगे तो आप यहाँ से बिल्कुल क्या कहते हैं लाइव किचन को देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पे। और आप यहाँ से फ्रेज़र रोड का एक्चुअल नज़ारा देख सकते हो। और ये वो प्लेस है जहाँ से मैंने शुरू किया था अपना इंट्रो, और यहाँ से हमारा वीडियो शुरू हुआ था। ये लोगो हमने आपको दिखाया था एक्चुअली। दोस्तों यहाँ पे एक ओपन किचन है, और यहाँ पे आप लाइव फायरवुड देख सकते हो। आपको मैं यहाँ से लाइव फायरवुड दिखा सकता हूँ। तो ऐसे कैफ़ेज़ बहुत कम हैं पटना के अंदर जो ओपन आपको फायरवुड और ओपन किचन दिखाते हैं। दोस्तों ऐसे स्कैनर एक्चुअली आजकल पेमेंट के लिए चल रहे हैं, क्यूआर स्कैनर। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मेन्यू कार्ड चाहिए तो आपको गूगल लेंस से जाके इनके क्यूआर को स्कैन करना पड़ेगा। जब आप ऐसे स्कैन करेंगे तो इनका मेन्यू कार्ड खुलेगा। आप देख सकते हैं, क्या नाम है भैया आपका? आदित्य। आदित्य भाई मुझे इसके लिए असिस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका मेन्यू कार्ड ऐसे खुला है। पिज़्ज़ा का सेक्शन अगर है तो वो आप ऐसे ऑर्डर करके देख सकते हैं, क्यूआर स्कैन करके गूगल लेंस पे। ये कितना अच्छा तरीका है ना, दुनिया इतनी एडवांस हो गई है एक्चुअली, तो क्यों ना होटल एंड रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ भी अपने आप को कितना अपडेट कर चुके हैं, और पटना कितना आगे जा चुका है कि ऐसे एक क्यूआर से आप मेन्यू कार्ड स्कैन करते हो, और आपके फ़ोन के ऊपर प्राइस लिस्ट के साथ में ये सारे ओपन हो जाते हैं, और अब यहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो व्हाटएवर। तो दोस्तों मैंने फ़िलहाल आपको जैसा कि मैंने दिखाया कि क्यूआर से स्कैन करना पड़ता है इनके मेन्यू कार्ड को, तो मैंने इनके क्यूआर को स्कैन करके कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी। मैं क्योंकि अकेले आया था आपके लिए शूट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर किया क्योंकि काफ़ी ठंड हो गई है। माय जैकेट्स आर ऑन, लेदर जैकेट्स आर ऑन ऐसा कह सकते हैं। जैकेट्स तो काफ़ी दिनों से पहन रहा हूँ, पर ठंड अब जब बढ़ गई है तो लेदर जैकेट्स निकालना पड़ता है इंसान को। तो ऐसे मौसम में मैंने कॉफ़ी प्रीफर किया। मैंने एक कॉफ़ी लाते कैफ़ी ऑर्डर किया है, जो यहाँ पे कुछ 140-150 का है। प्रीटी एक्सपेंसिव एक्चुअली। तो अगर आपका बजट ठीक ठाक हो तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। थोड़ा अलग फीलिंग तो आएगा, अलग मज़ा तो आएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ ज़रूर यहाँ पे आइएगा। मुझे अच्छा लगा। खाना तो मैं एक बार जब आ जाता है ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास टेबल पे आ जाएगा तो मैं बताऊँगा कैसा है एक्चुअली। पर ये जो व्यू है ना इनका, जो इन्होंने ग्रीस वाली फीलिंग दी है, वो इन्होंने काफ़ी हद तक कॉपी कर लिया एक्चुअली में। इसमें तो मतलब 10/10 पूरा मार्क्स दे सकते हैं। अब इनके टेबल्स भी काफ़ी हद तक फिल हो चुके हैं। थोड़ा वक्त हो चुका मुझे यहाँ पे आके, मैंने कुछ चीज़ें खुद भी एक्सप्लोर की, और मैंने जानना चाहा कि एक्चुअली आपको किस एंगल से दिखाऊँ तो आप वीडियो के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से आप तक चीज़ें पहुँच सकें। पर माय लाइव एक्सपीरियंस इज़ फैंटास्टिक एक्चुअली। तो लीजिए दोस्तों, मेरी कॉफ़ी आ चुकी है एक्चुअली। इन्होंने एक चीज़ थोड़ा उल्टा कर दिया। मैंने चिकन का एक आइटम ऑर्डर करा था तो वो बाद में आएगा, पहले कॉफ़ी ही भेज दिया। तो चलिए ये ठंडी ना हो जाए इसलिए इसको पहले पी लेते हैं। कॉफ़ी तो कॉफ़ी के जैसा होता है। The chai lovers will never understand the beauty and the taste and the luxury of coffee. Actually, भाई ग्रीस में आए हो क्या, चाय शाय पियोगे, कॉफ़ी का मज़ा लो। दोस्तों चिकन वाला जो आइटम मैंने ऑर्डर किया वो जब तक आए तब तक मैं एक बार सेंटर व्यू आपको दिखाऊँ। मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दिख रहा है ये जगह।
और मुझे इस बात की खुशी हो रही कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं ऐसी जगहों पे लेके आ रहा हूँ, मुझे इस बात की बहुत तसल्ली सी फील हो रही है यहाँ आके। और ये जो स्टेयरकेस है ना, ये जगह मुझे बिल्कुल काफ़ी यूनिक सा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके इसको ज़रूर बता। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो लाइटिंग इफेक्ट है सुपर्बली इसको बनाया गया एक्चुअली। और यहाँ पीछे जैसा कि मुझे लग रहा है ये ग्रीस कंट्री का ही कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे एक स्पीकर है और आप देख सकते हैं फ्लोर को भी काफ़ी अलग डिज़ाइन किया गया। ऐसे फ्लोर्स मैंने इंडिया में कहीं जगह पे देखे हैं, लेकिन शायद ये ग्रीस के इफ़ेक्ट में भी ऐसा ही होता है। फाइनली दोस्तों, द वेट इज़ ओवर एंड माई चिकन चिली इज़ हियर। तो आइए फिर चिकन चिली का मज़ा लेते हैं, आपको फीडबैक बताऊंगा। और आप चाहें तो आप ख़ुद भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं चिकन चिली के साथ, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं चाह रहा हूँ कि जाने से पहले एक बार फिर से आपको एक झलक दिखाऊं। आप देख लीजिए इस प्लेस की खूबसूरती। और अभी एक्चुअली यहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, टॉप फ्लोर से मैं इसको आपको दिखा पा रहा हूँ। और अब फाइनली मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रहा हूँ। जाते जाते दोस्तों फिर से जो इस प्लेस की लग्जरी है वो आपको दिखाना चाहूँगा। मैं जाते जाते एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेस को एक बार अच्छे से बाय बाय करें। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप इस तरह के जगह को बिल्कुल एक्सप्लोर करने आएँ। एड्रेस तो मैंने शुरुआत में बता ही दिया था, एक बार फिर से आपको एड्रेस मैं बता दूँ। फ्रेज़र रोड में जहाँ पे सेंट्रल मॉल हुआ करता था उसके जस्ट अपोजिट में यूको बैंक है, यूको बैंक के जस्ट बगल में है ये। अब एक पतली सी गली मैंने शुरुआत में दिखाई थी, मैं कोशिश करूँगा जाते हुए भी आपको उसको दिखा दूँ। फोर्थ फ्लोर पर है और बहुत प्यारी जगह है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और मैंने एक प्यारी सी कोशिश की आपको पटना बिहार में ग्रीस वाला लोकेशन दिखाने की। आपको ये लोकेशन कैसा लगा? मेरा ये वीडियो ओवरऑल आपको कैसा लगा मैं आपसे कमेंट के ज़रिए जानना ज़रूर चाहूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक आपने इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके मदद की, आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को। और ऐसे ही आप हमको प्यार बनाते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि ये पटना वाला ग्रीस नहीं, ओरिजिनल ग्रीस में हम आपको विज़िट कराएंगे और वहाँ से वीडियो बनाएंगे। ऐसा कुछ प्यार दिखाइए हमारे लिए। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, तहे दिल से बहुत शुक्रिया। बाय बाय।